ले चलते हैं आपको मेड़ता की ओर, जहां वार्ड नंबर 2627 में लोगों को करना पड़ रहा है पानी की समस्याओं का सामना। विभाग को सूचित करने के बाद भी नहीं हो रही है इस पर कोई कार्यवाही। मेड़ता रोड के मेघवालों का वास, वार्ड नंबर 2627 में नाले में आ रहे गंदे पानी और बदबूदार पानी के कारण भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि समस्या को लेकर विभाग को कई बार अवगत कराया गया है तथा 181 पर भी शिकायत की गई है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगभग 3 वर्षों से वार्ड नंबर 2627 के विभाग द्वारा जो पानी की सप्लाई की जाती थी, उसमें गंदा व बदबूदार पानी आने के स्थानीय लोगों को महंगे भाव से पानी का टैंकर डलवाना पड़ रहा है। इस वक्त हम आए वार्ड नंबर 2627 के अंदर, जो बेड़ता रोड में स्थित है, और इस कॉलोनी को जो कहा जाता है वो मेघ वालों की कॉलोनी कहा जाता है। हम देख रहे हैं, हमें यहाँ शिकायत मिली थी कि इस वार्ड के अंदर जो पानी की सप्लाई आती है वो एकदम गंदी आती है, धुंधला पानी आता है, साथ ही साथ बदबू में भरा हुआ पानी आता है। ग्रामवासियों का और कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि यहाँ 3 साल से हम इस पीड़ा को भुगत रहे हैं। यहाँ पर जो पानी की सप्लाई आती है उसके अंदर गटर के पानी से भी ज़्यादा भयानक बदबू आती है, जिसको भी पी नहीं सकते। यहाँ राज्य सरकार एक तरफ पानी को फ्री करने का आश्वासन देती है, वहीं इन गरीब जनता को यहाँ पर 250-250 रुपये, 300-300 रुपये के टैंकर मोल मंगवाने पड़ते हैं, और पीने के पानी की अपनी समुचित व्यवस्था स्वयं को करनी पड़ती है। जलदाय, इनका आरोप है कि जलदाय विभाग इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। बने रहिए। हाँ जी, अपना नाम बताइए। बावरी देवी। तो जैसा कि आपके हाथ में अभी पानी की बोतल हम देख रहे हैं, घनों गंदा पानी आवे। अच्छा, और 3 साल हो अबे अंतर तक तीनों टूटिया कौन कर ले, पानी कोई सुनवाई कौन करे, पानी आला न केवा तो मान गालियां काट दे। तो 3 साल से आपकी कॉलोनी में गंदा ही पानी आ रहा है। गंदा पानी आता है। आपने कभी शिकायत की है? हां, 3 साल लगा शिकायत करा, मान कोई सुनवाई कौन करे। क्या कहता है जलदाय विभाग? कैसे आएगा पानी?